तो सामने आपके पास एक और प्यारा सा डिफरेंस है, रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग और नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग, ठीक है ना। काफी अच्छा है और कई बार पूछे जाने वाला ही क्वेश्चन है, काफी सारी जगह पे ये आता है, ठीक है, कि रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग क्या होती है और नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग क्या होती है, ठीक है। तो मेरे पास 6-7 पॉइंट है, काफी आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है और आपको एक बार में याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा 2-3 बार रिपीट करने की, ताकि यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। एक एक लाइन को 2-3 बार रिपीट करके आपको यहीं पे याद कराऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते। तो रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग है क्या? इसने बोला इट इज अ टाइप ऑफ फैक्टरिंग। पहली बात तो ये फैक्टरिंग का एक टाइप है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ फैक्टरिंग, ये फैक्टरिंग का एक टाइप है। इसका मतलब ये फैक्टरिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग, एक होता है नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग। इसने बोला ये फैक्टरिंग का वो टाइप है वेयर फैक्टर प्रोवाइड, जहां पे फैक्टर जो है वो प्रोवाइड करता फाइनेंस, यानी फैक्टर आपको पैसा देगा। फैक्टर यानी थर्ड पार्टी हो गया कोई, ठीक है ना। तो वो आपको पैसा देगा ऑन द क्लॉज दैट, ये बात पे इस बात को ध्यान रखते हुए कि ही विल नॉट बियर एनी बैड डेट, यानी अगर कोई बैड डेट होता है, कोई लॉस होता है, ठीक है ना, तो ये बियर नहीं करेगा। किस टाइप का लॉस? जो बैड डेट के कारण हो जाए, सामने वाली पार्टी आपको पैसे ना दे, तो इस टाइप का कोई लॉस वॉस होता है कस्टमर से, तो ये बियर नहीं करेगा। तो उसने बोला रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग एक ऐसा टाइप है फैक्टरिंग का, जहां पे फैक्टर जो है प्रोवाइड करेगा फाइनेंस, यानी जो थर्ड पार्टी, सपोज करो कोई बैंक है, वो आपको पैसा तभी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। बट ये आपको पहले बोल देगा कि मैं कोई भी बैड डेट का लॉस बियर नहीं करूंगा। द कंपनी, जो कंपनी खुद है, यानी जैसे मान लो कि मैंने सेल की थी, तो मैं कंपनी इटसेल्फ खुद ही रेस्पॉन्सिबल होऊंगा फॉर देयर ओन बैड डेट। तो सपोज करो मैंने आपको 1 लाख का माल बेचा, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग में होता क्या है कि अगर मैंने आपको 1 लाख का माल बेचा, तो यहाँ पे मैं अगर किसी थर्ड पार्टी से पैसे लेने जा रहा हूँ, यानी बैंक एंड ऑल से पैसे लेने जा रहा हूँ सपोज करो, तो वो मेरे को पैसा देगा, मगर ये बोल देगा कि अगर सामने वाली पार्टी पैसा नहीं देती इस टाइप, और पैसा नहीं देती है उसके कारण बैड डेट हो जाता है, ठीक है ना, तो वो लॉस मैं बियर नहीं करूंगा। वो कौन करेगा? मैं, यानी वो बोल रहा है कि मैं बियर नहीं करूंगा। कौन करोगे? नहीं, आप करोगे। नहीं, मेरी बात कर रहा है, बात समझ आ गया ना। तो रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग वो टाइप है फैक्टरिंग का, जहां पे फैक्टर आपको फाइनेंस देगा, मगर ये बोलते हुए देगा कि ही विल नॉट बियर एनी बैड डेट का रिस्क, ऑफ बैड डेट, यानी वो बैड डेट का रिस्क बियर नहीं करेगा थर्ड पार्टी, ठीक है। कंपनी यानी जो मैं था जिसने सेल की थी, इटसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन बैड डेट। क्लियर हो गया। जबकि रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग में क्या लिखा, नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ फैक्टरिंग वेयर द फैक्टर बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट, यानी यहाँ पे थर्ड पार्टी यानी जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, वो ही क्या करेगा, रिस्क ऑफ बैड डेट को बियर करेगा। क्लियर हो गया। आगे लिखा है, इन अदर वर्ड्स द क्लाइंट यानी मैं कंपनी हैव, क्लाइंट्स हैव नो रिस्क, यानी मेरा कोई रिस्क नहीं है बैड डेट का, ठीक है। रेदर द होल ऑफ इट यानी जो रिस्क होगा इज बॉर्न बाय द फैक्टर, वो फैक्टर बॉर्न करेगा। पहले तो डेफिनेशन को बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा, ताकि आपको डेफिनेशन याद हो जाए सबसे पहले, तो कि डेफिनेशन बोलना क्या है। बाकी पॉइंट बहुत आसान है, डेफिनेशन क्लियर कर लो कि रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग एक टाइप है फैक्टरिंग का, जहां पे फैक्टर आपको पैसा देगा, प्रोवाइड करेगा फाइनेंस ऑन द क्लॉज दैट ही विल नॉट बियर एनी बैड डेट, यानी ये जो तीसरी पार्टी है ये कोई भी बैड डेट का रिस्क बियर नहीं करेगी। जो कंपनी यानी जिसने सेल करी है वही रेस्पॉन्सिबल होगी फॉर देयर ओन बैड डेट। जबकि नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग में इसने बोला जो फैक्टर जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है वो ही बियर करेगा किसका, रिस्क ऑफ बैड डेट। इसका मतलब क्लाइंट को, कंपनी को कोई रिस्क नहीं है बैड डेट का, जबकि सारा बैड डेट का जो रिस्क है वो फैक्टर अपने आप ही देख लेगा। समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2, फीस की बात करें तो यहां पे लोअर फी फैक्टर फीस है, फैक्टर फीस कम होती है। क्यों? कि भाई फैक्टर बैड डेट का रिस्क तो ले नहीं रहा, तो फीस भी क्या लेगा, थोड़ी सी कम लेगा, बट यहां पे फीस क्या रहेगी, हायर रहेगा बेटा। क्या रहेगा? हायर, क्योंकि फैक्टर बोल रहा मैं देख लूंगा बैड डेट वाला कुछ होगा तो वो फीस भी आपसे ज्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। प्रोसेस किसके लिए? सेलर के लिए। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो लेस कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस फॉर द सेलर, ये सेलर के लिए थोड़ा कम कॉन्फिडेंशियल क्या प्रोसेस है। अब हम लायबिलिटी की बात करें तो बिजनेस एक्सेप्ट द लायबिलिटी फॉर अनपेड इनवॉइसेस, अगर कोई बिल का पैसा नहीं आता तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी यानी बिजनेस की होगी। तो यहाँ पे बिजनेस जो है
वो यानी कंपनी, बिजनेस बोलो या कंपनी बोलो, वो एक्सेप्ट करता है द लायबिलिटी फॉर अनपेड इनवॉइसेस। ऐसे बिल, ऐसे इनवॉइसेस जिनका पेमेंट नहीं आ रहा उसके लिए कंपनी खुद ही देख लेगी, फैक्टर से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे जो फैक्टरिंग कंपनी है बेटा, कौन सी कंपनी? फैक्टरिंग वाली कंपनी जो पैसा आपको दे रही है ना, जो सर्विस दे रही है आपको, तो उसने बोला ये फैक्टरिंग कंपनी जो है ये एक्सेप्ट करती है लायबिलिटी ऑफ लायबिलिटी फॉर अनपेड इनवॉइस। अगर कोई बिल पे नहीं करता सामने वाली पार्टी, तो फैक्टर देखेगा इस बार, कंपनी नहीं देखेगा। क्लियर हो गया। देन उसके बाद एडवांस रेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एडवांस रेट हाई है थोड़ा, यहाँ पे हायर एडवांस रेट रहता है, जबकि यहाँ पे एडवांस रेट क्या रहता है, लोअर रहता है। तो मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट आपको क्लियर करवा दिए। एक बार प्लीज ध्यान से सुनना, मैं बोल क्या रहा हूँ। रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग एक टाइप है फैक्टरिंग का, जहाँ पे फैक्टर प्रोवाइड करता है आपको फाइनेंस ऑन द क्लॉज दैट ही विल नॉट बियर, वो बियर नहीं करेगा एनी बैड डेट, द कंपनी इटसेल्फ विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन बैड डेट। कंपनी खुद ही रेस्पॉन्सिबल होगी अपने बैड डेट के लिए, ठीक है ना। आगे, जबकि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में इट इज अ टाइप ऑफ फैक्टरिंग वेयर फैक्टर जो तीसरी पार्टी है बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट, वही रिस्क जो है बैड डेट का बियर करेगी। इन अदर वर्ड्स क्लाइंट को कोई भी रिस्क नहीं है, सारा रिस्क किसका, फैक्टर का है। अगर हम फीस की बात करें, तो यहाँ पे क्या नाम है, रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग में लोअर फैक्टर फीस रहती है, जबकि यहाँ पे हायर फैक्टर फीस रहती है। यहाँ पे समझ में आ गया था। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें, तो यहाँ पे हाईली कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है सेलर के लिए, बट यहाँ पे लेस कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस फॉर द सेलर। क्लियर हो गया। देन अगला पॉइंट, मैंने लायबिलिटी की बात करी, तो यहाँ पे बिजनेस यानी जो कंपनी है जिसने सेल करी है वो एक्सेप्ट करता है लायबिलिटी को, यानी लायबिलिटी उसी की रहती है फॉर अनपेड इनवॉइसेस। बट यहाँ पे जो फैक्टरिंग कंपनी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके लिए, अनपेड इनवॉइसेस के लिए। देन एडवांस रेट की बात करें, तो यहाँ पे हायर है, यहाँ पे लोअर है, ठीक है। देखो मैं बहुत सारे डिफरेंसेस आपके लिए बनाता रहता हूँ, मैंने आपको बताया था मैं तकरीबन 150+ डिफरेंसेस बना चुका हूँ अब तक, ठीक है ना, जो कि इसीलिए बनाता हूँ ताकि अगर आपको कोई नोट पूछे तो आप नोट भी लिख सको पर्टिकुलर किसी के ऊपर। जैसे मान लो कि रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग का होता तो आप आराम से लिख सको, नॉन रिकॉर्ड्स पूछेगा तो लिख सको, और डिफरेंस पूछेगा लिख सको। तो एक तीर तीन निशाने बनते हैं इससे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जानबूझकर डिफरेंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ताकि काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 150+ हो चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, देखते हैं कितने बनते हैं, ठीक है। चलो, सुटेबल की अगर हम बात करें, तो इसने बोला इट इज सुटेबल फॉर, ये उन बिजनेसेस के लिए सुटेबल है वेयर इंस्टेंसेस ऑफ बैड डेट आर लो, यानी जहां पे तुम्हें लगता है कि बैड डेट के जो चांसेस है ना वो कम है, तो ये उन्हीं कंपनी के लिए सही है जहां पे आप उन जिन कंपनी को लगता है कि बैड डेट होने के चांसेस कम है। समझ में आ गया। जबकि ये जो बैड डेट की वो तीसरा बंदा देख लेगा, बैड डेट मेरे को कोई दिक्कत ना हो, है ना, तो ये उन बिजनेस के लिए सही है, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर द बिजनेस विद हाई बैड डेट, तो ये उसके लिए सुटेबल है जो बोल रहा है कि मेरे को कोई दिक्कत ना हो, भाई थर्ड पार्टी देख ले, मैंने तो सेल कर दी, बस मुझे पैसा मिल जाना चाहिए, मुझे कोई किसी तरह का कोई रिस्क नहीं चाहिए, तो वो इस जगह पे आ सकता है। यानी अगर आपको लगता है आपका पैसा डूब सकता है, तो आप ये नॉन रिकॉर्ड्स फैक्ट्री में चले जाओ, ये अपना पैसा वसूल कर लेंगे, चाहे वो बाउंसर भेजे चाहे कैसे भेजे, वो वसूल कर लेंगे। बात समझ आ गया। तो अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ हाई बैड डेट के चांसेस है, किसके हाई बैड डेट के चांसेस है, तो आप नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग के अंदर जाओ। अगर आपको लगता है कि बैड डेट नहीं होगा, पैसा नहीं डूबेगा, ऐसा कुछ चांसेस मेरे यहाँ है नहीं पैसा डूबने के, तो आप कहाँ रिकॉर्ड्स में जा सकते हो। तो दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है आपका पैसा नहीं डूबेगा, बैड डेट होने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है, तो आप रिकॉर्ड्स ले सकते हो। बट आपको लगता है कि बैड डेट हो सकता है, सामने वाली पार्टी टेढ़ी है, वो पैसा नहीं देती जल्दी, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे हाई बैड डेट के केस में आप नॉन रिकॉर्ड्स में जा सकते हो। तो बैड डेट कम हो रहे हैं या चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है, तो रिकॉर्ड्स, बैड डेट के चांसेस ज्यादा है तो नॉन रिकॉर्ड्स। क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं। देन पेमेंट रिकवरी की अगर हम बात करें, तो बिजनेस इटसेल्फ, बिजनेस खुद से ही हैज टू कैरी आउट द पेमेंट रिकवरी टास्क, यानी पेमेंट निकालने का जो काम है वो बिजनेस खुद ही कर लेता है यहाँ पे। बट यहाँ पे कौन करेगा, फैक्टरिंग कंपनी करेगा, क्योंकि आपके जो कस्टमर हो ढीठ हो पैसे देंगे नहीं, तो फैक्टरिंग जो बाउंसर लेके जाएगा तो पैसे रिकवर कर लेगा। तो यहाँ पे फैक्टरिंग कंपनी अंडरटेक करती है द रिकवरी ड्यूटीज को, रिकवरी टास्क को। क्लियर। तो एक और डिफरेंस आपका खत्म होता है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।